अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप जनाब। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शकरगढ़ के एक बॉर्डर साइड पे एरिया है वहाँ पे। यहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं, जनरल साहब हैं, उनका फार्म हाउस है, तो वहाँ पे हम मौजूद हैं। मेरे साथ जनाब इस वक्त मौजूद हैं जनाब वहीद उस्मान हाशमी साहब, जो कि चेयरमैन हैं इबादत एजुकेशन फाउंडेशन के, और उसके साथ जनाब मेरे साथ हैं मोहतरम शाहिद साहब, जो कि डायरेक्टर हैं महबूब आलम स्कूल के। तो यहाँ पे जिस जगह पे हम मौजूद हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस वक्त शहर के अंदर जो एयर कंडीशन लगा के जो टेम्परेचर बनता है, इस वक्त यहाँ पे वो टेम्परेचर है और यहाँ पे कोई पंखा कोई एसी नहीं, क्योंकि हम एक नदी के किनारे पे, ये फार्म हाउस वहाँ पे हम मौजूद हैं, और आज जो है वो तेरहवीं की रात। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जो चांद नज़र आ रहा है ये तेरहवीं का चांद है, और कल भी हमारा यहाँ पे स्टे है, कल चौदहवीं की रात होगी। तो यहाँ पे ये जो बारबेक्यू लगा हुआ है, जो खाने पीने का ये इंतज़ाम आपको नज़र आ रहा है, ये फिश हमने खुद शिकार की है। यहाँ पे खरगोश, हिरन, मग, मुर्गाबी, ये सारा शिकार यहाँ पे होता है। हमने आज भी शिकार पे जाना है, अभी कल भी हमारा जो है ना शिकार पे जाने का प्रोग्राम है। तो मेरे जो आसपास है वो सारा जंगल है, जो आपको नज़र आ रहा है हद नज़र तक जंगल है और कोई आबादी नहीं है। और ये जो फार्म हाउस है ये सारा सोलर सिस्टम पे है, ये जो लाइट नज़र आ रही है आपको ये सोलर के अंदर है। तो ज़िंदगी की गहमा गहमियों से, मसरूफियत से, और शहर की जो एक थका देने वाली ज़िंदगी है, उससे दोस्तों निकलना चाहिए और आपको जो है नेचर के अंदर जाना चाहिए, और वहाँ पे जो है ना आपको यहाँ पर गुजारने चाहिए, और शिकार खेलने से और यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी करने से और खुद कुकिंग करने से जो आपका जहन खुलता है, जब सोच बनती है और नाकाबले गया। तो मैं जनाब मोहतरम वहीदुद्दीन हाशमी साहब से उनके व्यूज़ लेना चाहूँगा। वहीदुद्दीन हाशमी साहब, आप क्या इस वक्त फील कर रहे हैं? तीन चार साल से ऐसे उठा नहीं जा रहा था, पट्टे दर्द, ऐसे सुस्त थे। इधर इतना फ्रेश फील कर रहे हैं, और ये जो आबो हवा एनवायरनमेंट है सेम लाइक एसी समझ ले, और शहर में इतनी गर्मी है। तो जितना आप नेचर के करीब रहेंगे तो उतना आप सेहतमंद रहेंगे, अपने आप पर कंट्रोल रखेंगे, और बेशुमार बीमारियाँ जो वो दूर हो जाएंगी। मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मस्ट इस तरह के प्रोग्राम ज्वाइन किया करें। बहुत शुक्रिया खादम। जनाब मोहतरम शाह साहब, ये हमारे जनाब मेज़बान हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, हम हर साल एक दूसरे के पास आते हैं। ये एक बहुत प्यारे इंसान हैं, इनके रूह बड़ी खूबसूरत है, इनके दिल बहुत खूबसूरत है, और ये हमारे जाने जिगर हैं। तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं जो इतने खूबसूरत हमने दी। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? वेलकम जी, मेरे तमाम दोस्त जितने भी अपने लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं, अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, नेचर लाइफ में आना चाहते हैं, वो ज़रूर आए इधर मेरे पास। मैं हर वक्त उनकी मेज़बानी के लिए तैयार बैठा हूँ यहाँ पर, और किसी तौर पर सैटरडे नाइट को मुकम्मल जहाँ होनी चाहिए। ओवरऑल मैं तो यही रहता हूँ कि ये मेरा इलाका है, ये मेरा गाँव है, ये मेरा ज़मीन है हमारी माशा, तो यहाँ पे खूब जो है ना नदी नाले हर चीज़ है, अपना खुद इंजॉय माई लाइफ को इंजॉय। लेकिन आप इजाज़त चाहते हैं, कल का प्रोग्राम बहुत ही शानदार होने वाला है यहाँ। जी खादम भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमारी वीडियो बनाई। अब आप अपने व्यूज बताएं जरा नाजरीन को, आपको तो पता ही है, और ये ज्यादा स्कूल वाले देखेंगे, ठीक है जी। हाँ जी।
Yeah. तो मैंने तो एक जो है शुरू से ही अल्लाह ताला ने कैसी तबीयत दी है, तो मैं तो एक आजाद पंछी हूँ जो एक जगह पर टिक के बैठ नहीं सकता। तो महीने में एक दफा अगर कहीं ऐसा माहौल ना ज्वाइन किया जाए, या साल में कुछ महीने जो है वो हम पहाड़ों में चले जाते हैं, तो दोस्त भी अल्लाह ने ऐसे दिए हैं, जितने भी दोस्त हैं वो सारे इसी मिजाज के हैं। तो मैं परसों से यहाँ पे आया हूँ, तो कल भी हम शिकार पे गए थे जंगल के अंदर। तो यकीन करें कि सारी थकावट, सारी जो एक स्ट्रेस था वो ख़त्म हो चुका है, और इंशाल्लाह बाबा जी के साथ ये जो है हमारा सिलसिला इसी तरह से रहेगा। ये हमारे भाई हैं, तो इंशाल्लाह इसके बाद हमारा अगला स्टेशन है वो इंशाल्लाह हम स्वात कलाम की तरफ जाएंगे, वहाँ पर कैंपिंग करेंगे सारी। और सबसे बड़ा मज़ा है कि अपना शिकार करके तो खुद खाएं, खुद पकाएं, इसका जो मज़ा है वो वही साथी बता सकते हैं जो ये कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया खादम साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपको इसकी जज़ा भी दे।